नमस्कार प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव सत्य बोल छुके बोल लगत नहीं। और हमने के जीवन में पेड़ के का अहमियत भाई कोरोना काल बता देला। ऋषभ यादव की ये भयानक वीडियो देखकर हैरान हो गए खेसारी लाल यादव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितना खेसारी लाल यादव सुर्खियों के विषय में बने रहते हैं, कई ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ यादव। आए दिन हमें नई नई तस्वीरें या वीडियो हमें देखने को मिलती ही रहती है, जिसमें खेसारी लाल यादव का बेटा नई नई चीज़ें करता हुआ नज़र आता रहता है। तो कभी बाइक चलाते हुए नज़र आते हैं, तो कभी साइकिल, तो कभी मस्ती करते हुए नज़र आते ही रहते हैं। हमें तस्वीर या वीडियो उनकी देखने को मिलती ही रहती है। लेकिन जैसे कि आप सभी लोगों ने तो कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ यादव का एक वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें खेसारी लाल यादव के बेटे ज़बरदस्त तरीके से स्टंट करते हुए नज़र आ रहे थे अपने घर पर। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को पसंद भी किया। क्योंकि जब जब खेसारी लाल यादव के फैंस खेसारी के बेटे की कोई नई चीज़ देखते हैं तो दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और हालांकि जब खेसारी लाल यादव की भी कुछ ऐसे ही वीडियो एक हमें देखने को मिली, जिसमें खेसारी लाल यादव भी बाइक चलाते चलाते अचानक से गिर जाते हैं और 2 फीट दूर गिरते हैं खेसारी लाल यादव, चोट लगने से बच जाते हैं। हालांकि वो एक फिल्म का सीन था, जो कि फिल्म का नाम था बोल राधे बोल। उस फिल्म के शूटिंग के दौरान ये वीडियो वायरल किया गया और सोशल मीडिया पर दर्शक बड़ी मात्रा में इस वीडियो को पसंद भी कर रहे थे और आग की तरह इस वीडियो को वायरल भी कर रहे थे। आप लोग देख भी सकते हैं कि जहाँ एक तरफ खेसारी लाल यादव के बेटे भयानक स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव भी बाइक पर स्टंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और दर्शक बड़ी मात्रा में पसंद भी कर रहे हैं। समय खेसारी लाल यादव की ओवर प्रिंट की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उन्होंने फिल्म साइन की बोल राधे बोल। उस फिल्म की फिलहाल शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। आपको क्या कहना है इस बड़ी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए।